नहीं तो क्या 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 पप्पू यादव इस बात को मानते हैं कि लालू परिवार अपने सेल्फ इंटरेस्ट में महागठबंधन के इंटरेस्ट को पीछे रखा, इसलिए महागठबंधन के बड़े नेताओं को बिहार आने नहीं दिया, पप्पू यादव की एंट्री महागठबंधन में होने नहीं दी, कन्हैया को चुनाव बेगूसराय से लड़ने नहीं दिया? इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। कोई युवा नेता, चाहे पप्पू यादव हो या कन्हैया हो, वो तेजस्वी यादव की राह में बाधा ना हो जाए, इसलिए उनको दूर रखा गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए देखिए, ये चुनाव 24 का था, 25 का नहीं था। सबसे पहले जो घटक के बड़े घटक, जो महागठबंधन के इंडिया के जो बड़े घटक हैं, वो इस चुनाव को 25 की दृष्टि से भी लड़ना शुरू कर दिया। वो 24 के तरह नहीं लगा। उन्हें लगा कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा। वो समझ नहीं पाए कि ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव बन चुका है। वो समझ नहीं पाए ST SC लोकतंत्र संविधान वर्सेस गैर संवैधानिक लोगों का चुनाव बन चुका है। नफरत वर्सेस प्रेम का चुनाव बन चुका है। रोजगार वर्सेस बेरोजगारों का चुनाव बन चुका है। किसान और महिलाओं के भीतर और युवाओं के भीतर एग्रेशन था, मजदूरों के भीतर एग्रेशन था। वो ये समझ नहीं पाए। वो 25 के चुनाव को ध्यान में रख करके एक लीडरशिप, पिता का तो अब चलता नहीं, आप इसको ऐसे समझिए, आप पिताजी की बात नहीं रहती। लालू यादव को कहने, लालू यादव के बारे में बोलने से आपको, हम लोग को कोई फायदा नहीं होनी चाहिए और कोई संदर्भ नहीं आता। जो उनकी उम्र है, जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। कन्हैया कुमार को अगले बार भी टिकट नहीं दी गई। सवाल है, कन्हैया कुमार यदि लड़ते इस बार बेगूसराय तो निश्चित वो चुनाव जीतते, लेकिन हिना साहब को भी नहीं हुआ। हिना साहब को लड़ाते तो वो चुनाव जीतते। अब पप्पू यादव से उनकी हो सकती है। एज ए, मैं मानता हूं यदि मैं एक ही समाज और जात का लोग हूं तो थोड़े देर के लिए हो सकता है एक गहरी चिंता मन में होगी कि जो आइडियोलॉजिकल और जो आम आदमी के जो कोई सोया रहेगा, पप्पू यादव पूरा बिहार घूम के आ जाएगा, लोग लूटते रहेंगे, हम बांट करके चले आएंगे, लोग सोने की तैयारी और आराम, ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे, हम सुबह 6 बजे उठते हैं, रात के 3 बजे जगते हैं, भर दिन लोगों की सेवा और मदद में लगे रहते हैं। और हमारा सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है कि भ्रष्टाचार को 3 महीने के अंदर मिटा पाए। तो पप्पू यादव के बारे में समझ में आता है कि एक लकीर जिसने बहुत लंबे समय से 40 सालों से जो आदमी सड़कों पर लड़ा हो, लाठी खाया हो, मैंने कभी सुविधा की बात नहीं की, हम कभी सत्ता और मंत्री की बात नहीं किए, हम लगातार संघर्ष को चुने, चाहे कोरोना काल का समय हो, चाहे बाढ़ का समय हो। आप याद कीजिए, पटना में 12 दिन हम सोए नहीं थे। याद कीजिए कोरोना में मेरी गिरफ्तारी हुई, जहां मैंने मुंह पे मास्क नहीं लगाया।